टू एग्जाम्पलर सी एच फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक करेक्शन करना था। लास्ट वीडियो में मैंने ए पैसेज टू इंग्लैंड के राइटर का नाम मैंने राजा राव बताया था, लेकिन आपको बता दें द कैट एंड शेक्सपियर, द कैट एंड शेक्सपियर एक नॉवेल है जिसको राजा राव ने लिखा है। और बता दें ए पैसेज टू इंग्लैंड इज रिटन बाय नीरज सी चौधरी। यह करेक्शन करना था फ्रेंड्स। हमने बताया था ए पैसेज टू इंडिया जो लिखा था ये फर्स्टर ने लिखा था, और ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी ने लिखा था। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है द बायोग्राफी, कह रहे बायोग्राफी इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेकर के मरण तक की बातें करता है। हाईलाइटिंग हिज अचीवमेंट्स एज वेल एज हिज फेलिंग्स जुडिशियली। क्लियर है? यानी लेकर जन्म से लेकर के मरण तक जितनी भी अचीवमेंट्स उसने किया है सबको जिक्र किया जाता है। उसके बाद बता रहा है कि इसके बारे में जो वर्चुस होते हैं या वाइसेस होते हैं इनके बारे में लिखने वाला बताता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कब आया था जनरा। कह रहे हैं बायोग्राफी एज ए लिटरेरी जनरा विच फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश इन द 17th century। इस शॉक वाल्टन लाइफ्स इन विच ही रोड द बायोग्राफीज ऑफ जॉन डन, रिचर्ड हुकर एंड जॉर्ज हर्बर्ट। लेटर ऑन डॉक्टर जॉनसन मेड इट अ पॉपुलर। देखिए आप कह रहा है कि बाद में डॉक्टर जॉनसन ने इसे बहुत ही पॉपुलर किया था इस टर्म को लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स में। ठीक है, जेम्स बोसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन इन 1791 इज कंसीडर्ड ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी इन द वर्ल्ड। किसका तो देख लीजिए, कह रहा है कि जेम्स बोसवेल लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन इन 1791 इज कंसीडर्ड द वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन द वर्ल्ड। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी का। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, कम समय में हम ज़्यादा बात करेंगे। ऑटोबायोग्राफी कह रहा है ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं के बारे में लिखा जाए। ऑटोबायोग्राफर हैज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ डिस्पैशनेट सेल्फ इवोल्यूशन। कह रहा है कि खुद का मूल्यांकन करके लिखना होता है। ऑटोबायोग्राफी रिमेंस इन कम्प्लीट स्टोरी बिकॉज इट टू बी रिटेन बिफोर द डेथ ऑफ द ऑटोबायोग्राफर। कह रहा है इसे इनकम्प्लीट माना जाता है क्योंकि ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखा जाता है और व्यक्ति जब मर जाता है तो अपनी मौत को कैसे लिखेगा। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। बाई सेंट अगस्टीन टाइटल्स कॉन्फेशंस इन द 15th century। इट बिकम्स पॉपुलर वेन रूसोस कॉन्फेशंस ऑफ अपीयर टू वॉज द क्लोज ऑफ द 18th century। देर आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ द ऑटोबायोग्राफीज हैव बीन रिटन। उसके बाद बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी लिखे गए। लेकिन देखिएगा कॉन्फेशंस रूसो का भी है और अगस्टाइंस का भी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेमोयर की बात करते हैं। मेमोयर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, पिछली बार एग्जाम में यानी 2021 में जो पूछा था पूरा घन चक्कर में लोग फंस गए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर के बारे में। मेमोयर कह रहा है कि थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी से भिन्न होता है। हियर द राइटर रिकलेक्ट्स हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट को याद करता है विद वेरियस पर्सन्स इन हिज पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को वह क्या करता है, रिकॉलेक्ट करता है। और अगर नोट भी करता है तो किस में, डायरी में या किसी लेटर में। मेमोयर्स जनरली बेस्ड ऑन डायरीज एंड लेटर्स और एनी अदर पर्सनल रिकॉर्ड। किसी पर्सनल रिकॉर्ड में दर्ज करता है या डायरी में लिखता है या लेटर में लिखता है। क्लियर है? यही होता है मेमोयर, थोड़ा सा भिन्न होता है ऑटोबायोग्राफी से। कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं आज। ब्रीफ लाइफ्स जो है जॉन अबरी का है। लाइफ्स ये देखिए, लाइफ्स सबसे पहले डन हर्बर्ट और हुकर्स का, इसाक वाल्टर ने, क्वीन विक्टोरिया पर लिखा है लिटन स्टार्ची ने, इमिनेंट विक्टोरियंस लिटन स्टार्ची का ही है। लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स यह इम्पॉर्टेंट है,
लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, और डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है, ये बायोग्राफी है, और इसमें 52 पोएट्स को डिनोट किया है। लाइफ ऑफ पेपिस आर्थर ब्रायंट, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जेम्स बोसवेल, बायोग्राफिया लिटरेरिया एस टी कॉलरिज, लाइफ ऑफ नेपोलियन वाल्ट स्कॉट, लाइफ ऑफ बारन थॉमस मूर, लाइफ ऑफ वाल्ट स्कॉट जॉन लॉकहार्ट, लाइफ ऑफ डिकेंस एम फॉस्टर, लाइफ ऑफ नेल्सन रॉबर्ट साउदे। आगे बात करते हैं, लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग थॉमस कार्लाइल, लाइफ ऑफ सिसिल थॉमस कार्लाइल, लाइफ ऑफ ग्रे तो विलियम मेसन है, लाइफ ऑफ कार्लाइल जेम्स फ्रॉड है, लाइफ ऑफ पीट रोबसबरी अर्लाफ है, लाइफ ऑफ ग्लैंडस्टोन, और फिर लाइफ ऑफ मैकाले हैं ट्रिविलन, द स्ट्राइकर डियर है डेविड सेसिल, और लाइफ ऑफ मॉलबोरोग हैं वाटर चर्चिल। ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, डायरी सैमुअल पेपिस का है, कॉन्फेशंस मैंने बता दिया आइंस्टाइन और रूसो का है, ग्रेस अबाउंडिंग जॉन बनियान, ओपियम ईटर डी क्विंसी इंपॉर्टेंट है, ओपियम ईटर डी क्विंसी, प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुपर ट्रैम्प तो डब्ल्यू एच डेविस का है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्सबर्ट सिटवेल द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है। कह रहे ऑटोबायोग्राफी कुछ बिना टाइटल का है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का है, हेनरी एडम्स का है, डेविड हम्स हैं, एंथोनी ट्रोलपेन, एडविन गिब्बन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, और सी ओ सी सी है। ठीक है, बात करते हैं मेमोयर की, लेटर्स का, थॉमस ग्रे, चार्ल्स लैम, विलियम काउपर, जॉन कीट्स, हॉरेस ऑलपॉल, महात्मा गांधी, लॉर्ड चेस्टरफील्ड और जवाहरलाल नेहरू ने मेमोयर भी लिखा है। आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का। पहला है, हु इज़ नन टू बी द अर्लीस्ट राइटर ऑफ बायोग्राफी इन इंग्लिश, तो मैंने बता दिया था जॉन आवरी। हु रोट द बायोग्राफीज ऑफ जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड हुकर, तो इसाक वाल्टन है इनके राइटर इस बायोग्राफी के। लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स तो डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है, जिसमें 52 पोएट्स को मेंशन किया है। हाउ मेनी ऑफ पोएट्स लाइव वी हैव बीन रिटेन इन लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, तो अभी मैंने जिक्र किया है लाइफ्स ऑफ 52 पोएट्स की बात किया है जॉनसन ने। हु इज़ द एथर ऑफ बायोग्राफिया लिटेरिया, तो कॉलरीज ऑफ वेलन है, सबको पता है कॉलरीज। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट टाइटल डेविड सेसिल राइट अ बायोग्राफी द स्ट्रिकन डियर, तो कह रहे हैं जो स्ट्रिकन डियर है वो लाइफ ऑफ काउपर पर बेस्ड है। हु रोट 100 ग्रेट लाइफ्स, तो लियोनार्डो डी विंसी जो हैं इसके लेखक हैं 100 ग्रेट लाइफ्स। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन, यानी डॉक्टर जॉनसन का बायोग्राफी किसने लिखा है, तो जेम्स बोसवेल ने लिखा है, किसने, जेम्स बोसवेल ने। हु इज द एथर ऑफ लाइफ ऑफ मॉलबोरो, तो यह है विंस्टन चर्चिल ने उनके जीवन पर लिखा है। नेम द पोएटिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द प्रिल्यूड आपको पता है 1850 में पब्लिश हुआ था, द प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएटिक माना जाता है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड ओपियम ईटर, तो डी क्विंसी है, डी क्विंसी जो ओपियम ईटर का क्या है, ओपियम ईटर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, तो किसका, डी क्विंसी का। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी या फिर सुपर ट्रैम्प, तो एच डब्ल्यू एच डेविस ने लिखा है द ऑटोबायोग्राफी या फिर सुपर ट्रैम्प। नेक्स्ट है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रूसो, तो मैंने पहले ही बता दिया था कॉन्फेशन है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो मैंने ऑक्सफर्ड सिटवेल की बात किया है, और माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, आपको पता ही है महात्मा गांधी, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ग्रेस अबाउंडिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ग्रेस अबाउंडिंग जो ऑटोबायोग्राफी है वो जॉन बोनियान का है, क्लियर है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल थर्ड वर्ल्ड, देखिए इम्पॉर्टेंट है, किसका जो ऑटोबायोग्राफी है थर्ड वर्ल्ड, तो कह रहा है डेविड डैचेस का जो ऑटोबायोग्राफी है वो थर्ड वर्ल्ड है, ठीक है।
और कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड हिज फेमस लेटर टू, तो कह रहा है कि जो फेमस लेटर लिखा करते थे तो इंदिरा गांधी के लिए लिखा करते थे। और एक अपने इंडियन राइटर है कमला दास, उनका जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी, और आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम आप बताएंगे। ओके, आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।